ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग अपनी एक नया ऐप बनाने जा रहे हैं, जो कि है टिकटॉक टो ऐप, और जिसमें हम लोग आज पूरा टिकटॉक टो गेम बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया फ्लटर में, और यहीं से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग गेटेक्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं गेटेक्स डिपेंडेंसी को ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने गेटेक्स को ऐड कर लिया। आप अपने pubspec.aml के अंदर जाकर यहाँ पे आप कॉपरटीनो आइकन के बाद अपनी गेटेक्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट को रन कर लिया, तो मैं यहाँ पे चलूँगा मेन के अंदर और सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, रहने देता हूँ उसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक नया पेज बनाऊंगा, जिसको मैं दूंगा होम पेज डॉट डॉट। ठीक है, HTML एंड होम पेज डॉट डॉट। एक सेकंड, यहाँ पे डॉट डॉट कहाँ लगा रहा हूँ मैं। अब उसके बाद जो मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड लिखा हूँ, ये स्कैफोल्ड हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे मैं दे दूंगा होम पेज। ये आ गया हमारा होम पेज यहाँ पे। अब हम लोग सेपरेट एक फाइल बना लिए पेजेस का, तो ये इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि एक कंट्रोलर बनाऊंगा, बस दो तीन फोल्डर बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। कंट्रोलर डॉट डॉट, और मैं इसमें लिखता हूँ क्लास कंट्रोलर एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, किस नेम से, आर एक्स स्ट्रिंग नाम का। एक सेकंड, मैं आर एक्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर एक्स लिस्ट। ठीक है, आर एक्स लिस्ट, और वो स्ट्रिंग नाम का रहेगा, और उसमें मैं इस तरह से नहीं डालूंगा, मैं उसमें लिखूंगा, एक सेकंड, मैं उसमें क्या लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अभी के लिए इसको लिस्ट नहीं बनाता हूँ। अभी के लिए हम लोग होम पेज पे चलते हैं, और होम पेज पे चलने के बाद देखो ये हमारा होम पेज शो हो रहा है, तो यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम। ठीक है, कॉलम लिखने के बाद चिल्ड्रन लिखता हूँ मैं, एंड चिल्ड्रन के बाद हम लोग कुछ इस टाइप से, एक सेकंड, इसको इधर कर लेते हैं। चिल्ड्रन करने के बाद विजिट को यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, और यहाँ से जो हमारा सजेशन आ रहा है उसको बंद भी कर देता हूँ, ताकि हम लोग डिस्टर्ब ना हो सके, अपना काम अच्छा से करते रहें। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, जितने भी चिल्ड्रन है उसको हटाकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड व्यू बिल्डर। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड व्यू बिल्डर और डेलीगेट्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, तो यहाँ पे मैं काम करूँगा कि डेलीगेट्स में, ग्रिड डेलीगेट में मैं क्या डालना चाहूँगा, मैं यहाँ पे डालूंगा सिल्वर, सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस काउंट। यस, ये हम लोग डालेंगे, और क्रॉस काउंट में हम लोग का जो क्रॉस काउंट रहेगा वो हमारा क्रॉस काउंट रहेगा 3 का, यानी कि एक लाइन में 3 आइटम हमारी होगी। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन में 3 आइटम तो डाल दिए, अब हम लोग बिल्डर में क्या करेंगे वो समझो। बिल्डर में मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगाना है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो हमेशा लगाते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स, ये हो गया हमारा बिल्डर। और नीचे हम लोग करेंगे रिटर्न, और रिटर्न में मैं क्या करूँगा, रिटर्न में मैं अभी फिलहाल के लिए टेक्स्ट लिखता हूँ, और टेक्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ 0। अब मैं सेव करूँगा और देखते हैं हमारी ऐप में क्या प्रॉब्लम आती है। तो हमारी ऐप में वर्टिकल व्यू पोर्ट का प्रॉब्लम आया, इसका मतलब यह है कि जो हमारा ग्रिड व्यू है उसको हम लोग को रैप करना पड़ेगा एक्सपेंडेड से, एक्सपेंडेड। एंड अगर फिर से हम लोग रीस्टार्ट करेंगे तो आई थिंक हमारी जो ऐप है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमारे पास ग्रिड बन गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि आइटम काउंट जो होगा ना हमारा वो 9 तक ही होगा, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर होगा, इस तरह से हमारी 9 आइटम काउंट होगी। अब यहाँ पे देखो ये कुछ गड़बड़ा दिया, ये बीच में नहीं आ रहा, तो बीच में अभी नहीं आ रहा, लेकिन हमारी जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। तो इसको एक काम करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ना उसको मैं रैप कर दूंगा किससे, कंटेनर से, और कंटेनर से रैप करने के बाद मैं इसका डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन देता हूँ इसमें, और इसका कलर डालते हैं कलर डॉट ग्रे। ठीक है, अभी देखो ये मेरा नॉर्मल सा
वीडियो है, यानी कि हम लोग सिर्फ इसमें टिकटॉक तो बना रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कुछ नहीं इन द सेंस मैं बताता हूँ, ज़्यादा हम लोग वो नहीं करेंगे, यानी कि ज़्यादा हम लोग यूआई अच्छा से नहीं बनाएंगे, नॉर्मल जितना हो सके उतना बना रहे हैं। मार्जिन लगा दिया मैंने 5 का, 5 का ज़्यादा हो गया, 2 का लगाता हूँ, इससे हमारा कुछ इस तरह से देखेगा। अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो हमारी टिकटॉक तो में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि थोड़ा सा मैं इसमें बॉर्डर रेडियस भी डालते हैं ताकि बढ़िया लगेगा। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 का डालता हूँ मैं। अब इससे इतना बढ़िया हो गया हमारा। अब एक काम करता हूँ मैं कि थोड़ी बहुत कलर जो होगी, कलर जो बैकग्राउंड का कलर मैं करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में डालना चाहता हूँ कलर्स, कलर्स डॉट ग्रे, एंड उसमें मैं डाल दूंगा 800 का डालते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। तो ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो एक काम करते हैं कि अपना जो थीम है ना, थीम मोड जो है वो थीम मोड डॉट डार्क ही कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो ऐप है वो बढ़िया से डार्क थीम में दिखाई देगा। तो एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको, और फिर हमारी ऐप बढ़िया से दिखने लगेगा, ऊपर वाला भी डार्क हो जाएगा, इससे बढ़िया रहेगा, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड डार्क थीम होने के बाद भी ऐसा कैसा हो रहा है, तो ओके रहने देते हैं। एक काम कर लेते हैं हम लोग कि ऊपर से हम लोग अबर को हटा देते हैं, यहाँ से मैं अबर को हटा दिया, तो अभी हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि इसमें कॉलम में आकर मेन एक्सिस अलाइनमेंट में सेंटर डाल दूंगा। ये हो गया हमारा सेंटर। अभी सेंटर में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, वो हम लोग कर लेंगे। एंड हमारा जो ये है ना, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अभी सेंटर जाने के लिए हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी एक काम करते हैं कि हमारी जो ये है ना, हमारी जो टेक्स्ट है वो मिडिल में आना चाहिए। तो इसको मैं रैप कर दूंगा किससे, सेंटर से। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया मिडिल में, और इसकी जो स्टाइल है वो भी मैं ज़्यादा करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगा फॉन्ट साइज कितना डालें, 30 डालते हैं, 30 का डालते हैं, तो इतना आ जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं 50 डालूं, 50 सही लग रहा है। फॉन्ट वेट इसमें मैं डाल देता हूँ, किधर गया फॉन्ट वेट, एंड वेट में हम लोग बोल्ड डालेंगे, और कलर में कलर डॉट वाइट डालेंगे, इससे हमारा इस तरह का दिखेगा। अब जो हमारी इसका कलर है ना, उसको मैं ग्रे, और ग्रे के बाद इसको 900 दे देता हूँ, जिससे ये हमारा इस टाइप का दिखेगा। अब यहाँ पे 0 ना डालकर मैं अगर ओ डालूँ तो हमारा किस टाइप का दिखेगा वो देख लेते हैं। तो हमारा इस टाइप का दिखेगा, और अगर एक्स डालें तो हमारा किस टाइप का दिखेगा, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। बढ़िया, हमारा सारी चीज़ें सही लग रही है। अब एक काम करेंगे कि पहले तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देता हूँ, और हमारा कुछ नहीं हुआ अभी, ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग किए, बस यहाँ पे ये चीज़ें कर दिया हम लोग। अब एक काम करेंगे हम लोग इसको और आगे बनाने के लिए, इस पर ऑन क्लिक का फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं कंटेनर है उसको रैप कर दूंगा इंक वेल से, और यहाँ पे ऑन टैप, और ऑन टैप में मैं क्या लिखूंगा कि जो भी इंडेक्स पर क्लिक हो रहा है ना, उसका हमको इंडेक्स दे दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे सिर्फ मैं इंडेक्स लिख दूंगा। अब ये जो इंडेक्स है ना, वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखना मैं जो भी बॉक्स पे क्लिक करूंगा उसका इंडेक्स हमको मिलेगा। जैसे इस पे क्लिक किया तो 0 मिल गया। अब मैं यहाँ पे 0 ना प्रिंट करके मैं अगर इंडेक्स से प्रिंट करूँ, इंडेक्स से अगर यहाँ पे लिख दूँ, तो देखना कि हमारे पास इंडेक्स प्रिंट होना चाहिए। ये क्या दिक्कत आ रहा है, इसको मैं हटाता हूँ पूरे को, और यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखता हूँ। ओके, तो ये दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग कॉन्स्ट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स, एंड ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ओके, इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रिंग है, और हम लोग इसको इंटीजर के जैसा इस तरह से लिख सकते हैं।
अब देखना यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का इंडेक्स हम लोग प्रिंट हुआ। अब जिसमें भी क्लिक करें उसका हम लोग का इंडेक्स नीचे भी मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग बॉक्स पे क्लिक करने का बना लिए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अलग अलग बॉक्स पे क्लिक करने की चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि सभी बॉक्स में अलग अलग चीजें शो करवाएंगे, यानी कि जिस बॉक्स पे क्लिक किए उस बॉक्स में उसका एक्स या जीरो या यानी वो हम लोग डालना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आकर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, आर एक्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और ये क्या करेंगे इसमें हम लोग डालेंगे वैल्यूज, गेम वैल्यू लिख देता हूँ, और इसको इस तरह से करके मैं इसमें कितना चीज़ें बनानी है तो हम लोग को 9 बनाना है। ठीक है, तो डॉट ओबीएस लास्ट में लगा देंगे जिससे कि हम लोग का हो जाएगा 9 लिखना, 9 बॉक्स बनाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉक्स हम लोग बना लिए क्योंकि हमारी 9 बॉक्स की यहाँ पे बॉक्सेस हैं। तो अब जितना भी इसमें चीजें रहेगी, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, एक में एक्स डालता हूँ, फिर एक में एक्स डालता हूँ, एक में 0 डालता हूँ, अब ये इतना डालते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें, यानी कि 0 वाला इंडेक्स वाली चीज़ें 0 पे आनी चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कंट्रोलर जो है उसका इंस्टेंस बनाऊंगा, कहाँ पे, होम पेज पे कंट्रोलर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड इसको नाम हम लोग कंट्रोलर ये देते हैं, गेट डॉट पुट कंट्रोलर लिखते हैं यहाँ पे, ओके। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे देखो एक हमारे पास एरे है, और एरे में अगर हम लोग इंडेक्स देते जाएं तो उसकी वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा। तो हम लोग उसी तरह से इसको भी गेट करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलर डॉट गेम वैल्यू डॉट वैल्यू, और उसके अंदर जो एरे है उसमें हम लोग इंडेक्स दे देंगे, एंड अब सेव करेंगे। सेव करते हैं, देखो हम लोग को चीज़ें मिल गई, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 0 आ गया, जहाँ पे वो एक्स था वहाँ पे एक्स आ गया, और जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कंटेनर पे क्लिक किए ना उस कंटेनर पे हम लोग वैल्यू डालेंगे। अब कौन सी वैल्यू डालना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन चलो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा void add value, एंड हम लोग को क्या चाहिए, एक int index चाहिए रहेगा हम लोग को कि किस वैल्यू किस इंडेक्स पे हम लोग को वैल्यू को ऐड करना है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा game value dot value, और जो भी इंडेक्स देगा ये हम लोग वो इंडेक्स दे दिए, और उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, हम लोग उसमें ऐड कर देंगे x को, मान लो ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे ये हो गया। अब ये वाली फंक्शन को हम लोग कॉल करवाएंगे कहाँ पे, ये वाले फंक्शन को हम लोग कॉल करवाएंगे यहाँ पे जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो चलो यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्रोलर डॉट एड वैल्यू, और इंडेक्स हम लोग को पूछ रहे हैं तो इंडेक्स हम लोग डाल दिए। अब सेव करेंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को क्लिक करेंगे तो अभी तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ आई, कुछ नहीं इसलिए आया क्योंकि हम लोग इसको रिफ्रेश नहीं करवा रहे हैं। अगर मैं सेव करूँ एक बार तो आप देखना कि यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं सेव करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ओबीएक्स से रैप करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा है ना टेक्स्ट, इसको मैं ओबीएक्स से रैप कर देता हूँ। अब मैं जहाँ जहाँ पे क्लिक करूँगा, एक सेकंड, मैंने क्लिक किया लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा कि ओबीएक्स को मैं ऊपर से ही रैप कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास चीज़ें आती है। तो यहाँ से इसको ना कर कर मैं इधर वैल्यू लिख देता हूँ, एंड अगर सेव करूँगा मैं अभी, एंड मैं किसको रैप कर दूँ, मैं रैप कर दूँगा पूरा ये कंटेनर को ही, पूरा रैप कर देते हैं ओबीएक्स से।
सही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे था, हम लोग को यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखना चाहिए था, हम लोग को यहाँ पे वैल्यू को हटाकर काम करना चाहिए था। ठीक है, अभी अगर मैं रीस्टार्ट करूँ, सिर्फ हम लोग यहाँ पे वैल्यू को हटा दिए और कुछ नहीं किए। ठीक है, अभी मैं अगर रीस्टार्ट करूँ ऐप को तो देखना क्या होगा कि हम लोग का वैल्यू इतना है। अभी अगर मैं क्लिक करूंगा, जहां पर क्लिक करूंगा वहां पे हम लोग को एक्स आता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे था। अभी हम लोग एक काम और करते हैं कि मेन में जाकर आपको यहाँ पे गेट मटेरियल ऐप लिख लेना है, ताकि हम लोग अगर पेज राउटिंग करें तो उसमें हेल्प करेगा वो। अब हमारा ये चीज़ें शो होने लगी, अब हम लोग क्या करेंगे वो समझते हैं। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि अभी जो पारी है वो किसका है। ठीक है, यानी कि अभी जो चल रहा है वो एक्स वाली है या जीरो वाली है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर में दो चीज़ें बनाता हूँ, यानी कि किसका पारी है वो मैं ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं कंटेनर को जहाँ पे चिल्ड्रन है उस, एक सेकंड भाई, जहाँ पे चिल्ड्रन है उसके अंदर चलता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एक चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा रो चिल्ड्रेन एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा कंटेनर, और कंटेनर को चाइल्ड दूंगा और चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट देंगे और टेक्स्ट के अंदर मैं इसमें डालूंगा ओ। ठीक है, वो डाल दूंगा एंड सेव करूंगा। मैं सेव करते ही ऊपर में आ जाएगा हमारा, अभी देखो शो नहीं हुआ क्योंकि हम लोग इसको सेफ एरिया से रैप कर देते हैं ताकि कुछ भी ऊपर नीचे कटे नहीं हमारा। सेफ एरिया से रैप कर दिया मैंने, अभी देखो हमारी चीज़ें शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं साइज बॉक्स लगाता हूँ, हाइट एंड साइज बॉक्स में 50 का लगाता हूँ ताकि ये हमसे थोड़ा सा दूरी पर नीचे रहे। साइज बॉक्स लगाने के बाद अब मैं इसमें स्टाइल डालता हूँ, स्टाइल थीम है सॉरी टेक्स्ट स्टाइल, और इसमें फॉन्ट साइज मैं डालूंगा फॉन्ट साइज 30 और कलर कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग डाल दी तो यहाँ पे इस तरह का दिखेगा। अब कंटेनर जो है डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन कलर कलर डॉट ग्रे, या फिर हम लोग अम्बर डाल सकते हैं, इस टाइप से दिखेगा। अब इसकी जो पैडिंग है वो हम लोग डाल लेते हैं, पैडिंग इज इंसिस्ट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल की पैडिंग हम लोग 20 डालते हैं। किधर गया, ओके, ओरिजेंटल की पैडिंग हम लोग 20 डालते हैं और वर्टिकल की पैडिंग हम लोग 10 डालते हैं। इससे हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा, तो इसकी पैडिंग और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ वो आपको थोड़ा देर में पता चलेगा। फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है, ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब थोड़ा सा फॉन्ट साइज आई थिंक हमको बड़ा करना चाहिए था, ये हो गया हमारा इतना बड़ा। और फिर बॉर्डर रेडियस भी लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और 10 का बॉर्डर रेडियस, सही है। अभी मैं इसको अंबर ना देखकर मैं ब्लू दे देता हूँ इसको, तो ये इस टाइप का दिखेगा हमारा। अब एक काम और करते हैं, कॉलम को मैं पैडिंग से रैप कर देता हूँ जिससे कि ये चारों तरफ से इस टाइप का लगेगा हमारा। ठीक है, थोड़ा सा चारों तरफ से जगह छोड़ देगा। अब ये मैंने बनाया, एक और मैं सेम डुप्लीकेट कर लूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स, ये बन गया हमारा इस टाइप का। अब मैं ऊपर मेन एक्सिस अलाइनमेंट और इसको मैं कर दूंगा सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं, स्पेस बिटवीन करूंगा तो ये इस टाइप का दिखेगा। अब मैं क्या करूंगा कि जिसका पारी आएगा ना उसको यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि वो हाईलाइट रहेगा, जिसका पारी रहेगा वो हाईलाइट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग पारी लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और चलते हैं फंक्शन में अपना, और यहाँ पे मैं एक आर एक्स बूल नाम का वेरिएबल बनाएंगे एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा इज एक्स इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास ओ की वैल्यू रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू ऐड होगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ अगर इज एक्स ट्रू रहेगा
यानी कि एक सेकंड डॉट वैल्यू भी लगाना पड़ेगा हम लोग को। अगर इज एक्स ट्रू रहेगा यानी कि हम लोग को वो वैल्यू जहां पर क्लिक हो रहा है वहां पे हम लोग को एक्स डालना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें हम लोग कर दिए। एंड अगर वो फॉल्स रहेगा तो हम लोग जहां पे क्लिक किए वहां पे क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे। एंड साथ ही में ये चीज डाल तो देंगे लेकिन साथ ही में हम लोग को उसकी जो पारी है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज एक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू, उसका अपोजिट हम लोग को लिखना पड़ेगा इज एक्स डॉट वैल्यू, यानी कि अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, सही है। अभी देखो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं रीस्टार्ट करता हूँ गेम को, ठीक है, एंड हम लोग प्रिंट भी करवाते रहेंगे यहाँ पे साथ साथ में कि एक्स यहाँ पे इज एक्स लिखकर हम लोग प्रिंट करवा देते हैं डॉट वैल्यू। यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाते हैं एंड इस प्लस, एक सेकंड, प्रिंट में ऐसे तो प्रिंट होता था, चलो मैं कुछ भी भूल जाता हूँ यार, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे टू टू स्ट्रिंग प्रिंट, ओह माय गॉड, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा इज एक्स, ठीक है इज एक्स हम लोग प्रिंट करवा लिए। अब मैं क्या करूँगा, डिबग कंसोल खोलूंगा एंड अभी देखेंगे कि अभी हमारी जो, अभी सबसे पहले बताओ कि किसका पारी आएगा, इज एक्स फॉल्स है यानी कि एक्स का पारी तो नहीं आया, यानी कि जीरो का पारी था। अगर कहीं पे मैं क्लिक करूंगा तो जीरो प्रिंट होगा, देखो जीरो आया, ठीक है, फिर क्लिक करूंगा तो एक्स जीरो, यानी कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ गए कि पारी कैसे हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, यानी कि पहली बार एक्स चलेगा फिर वाई चलेगा फिर एक्स, सॉरी एक्स जीरो इस तरह से चलेगा। अब हम लोग ये वाले वेरिएबल को लेकर यहाँ पे जो चीज है उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करवाएंगे, वो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो ये जो हमारा जीरो वाली चीज है ना, इसको सबसे पहले आप रैप कर दो ओबीएक्स से, ठीक है, ओबीएक्स में डाल दिया हम लोग ने। अब मैं क्या करूंगा कि इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर, इसको मैं यहां से हटा दूंगा और लिखूंगा यहाँ पे कंट्रोलर डॉट इज एक्स डॉट वैल्यू। अगर इज एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे जीरो है, यानी कि अगर इसकी जो वैल्यू है वो अगर फॉल्स होगा, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगा यानी कि एक्स नहीं होगा, तब तो हम लोग लिखेंगे कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है कलर डॉट ब्लू। अगर उसकी वैल्यू ट्रू रहेगा, ठीक है, अगर एक्स का पारी रहेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे कलर्स डॉट ग्रे, एंड उसका जो इंटेंसिटी होगा वो 800 हम लोग डाल देंगे। एंड इसको मैं यहाँ से इस तरह से सेव कर दूंगा। अब आप देखने को मिलेगा कि जैसे ही एक्स का बारी आएगा, जीरो का बारी आएगा, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जैसे जीरो का बारी नहीं रहेगा तो ये हट जाएगा यहाँ से। अब सेम चीज हम लोग को नीचे करना है, ठीक है, नीचे यानी एक्स वाला में जाके इस तरह से डाल देंगे। अब जो कलर है सिर्फ उसको आप रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है, ये जो कलर है वो आप यहाँ पे डाल दो और इसके जगह पे ब्लू कलर डाल दो, ठीक है, एंड ये कंटेनर है उसको भी आप ओबीएक्स से रैप कर दो। ये हो गया हमारा रैप। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो अभी एक है, इसकी बारी इसकी बारी इसकी बारी इसकी बारी इसकी बारी जिसकी बारी आ रही है वो अपना चलता जा रहा है, ठीक है, तो ये बढ़िया से काम कर रहा है। अब एक बार और एक चीज और करेंगे हम लोग कि अगर जिस जिस बॉक्स पे वो क्लिक किया जा रहा है, ठीक है, अगर जिस बॉक्स पे क्लिक किया जा रहा है अगर वहां पे पहले से वैल्यू है तब वो वहां पे क्लिक नहीं कर पाएगा, ठीक है, वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं डाल पाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे वो देख, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा काम करना, ये जो पूरा है ना ये कंडीशन जिसमें हम लोग पूरा जो वैल्यू के चेंज कर रहे हैं पारी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसको कट कट कर लेना और यहाँ पे चेक करना इफ गेम वैल्यू, ठीक है, गेम वैल्यू और उसकी जो इंडेक्स आ रही है यानी कि जिस इंडेक्स में हम लोग रखना चाहते हैं अगर वो इक्वल टू अगर उस इंडेक्स की वैल्यू अगर एम्प्टी रहेगा तभी हम लोग ये चीज परफॉर्म करेंगे, अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तो हम लोग बाद में कोई एरर भी शो करवा सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट इनवैलिड क्लिक लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और बस इतना सिंपल सा काम है। अब सेव किया, अब जैसे देखो मैंने मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो
तो ये लिखेगा इनवैलिड क्लिक। अब देखो यहाँ से ये पारी भी चेंज नहीं हो रहा, जब इस पर हम लोग क्लिक करें तो पारी भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे ही खाली जगह पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो पारी चेंज हो गया, मान लो फिर भरा हुआ जगह पर क्लिक कर दे रहे हैं तो वो पारी चेंज नहीं हो रहा, तो इस तरह से हम लोग इसको कर पाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, बहुत बढ़िया चीज़ हम लोग सॉल्व कर लिए। अब एक काम करते हैं कि यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, रीस्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें खाली हैं, अब यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि विनर कब होगा। ओके, तो विनर कब होगा वो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। विनर चेक करने से पहले हम लोग एक चीज और चेक करेंगे, यानी कि अगर हम लोग पूरा स्लॉट को भर दिए तब हम लोग उसको फिर से रिस्टोर यानी कि रीसेट करने के लिए ऑप्शन देंगे कि अब मैच जो है वो ड्रॉ हो चुका है, अब हम लोग को उसको रीसेट करना पड़ेगा, यानी कि अगेन से प्ले करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक वैल्यू बनाऊंगा आर एक्स एंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लिक, ठीक है, इक्वल टू, एंड इसमें मैं लिख देता हूँ 0 ओबीएस। ओके, अब हम लोग को चेक करना है कि कितना बार हम लोग क्लिक कर सकते हैं, तो हम लोग ओनली 9 टाइम क्लिक कर सकते हैं, यानी कि अगर इसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करवाते जाएंगे कि इसकी वैल्यू कितना होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखो क्लिक वैलिड कब होगा, क्लिक वैलिड तभी होगा जब या तो इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ये इफ कंडीशन या एल्स कंडीशन के अंदर गए तभी हमारी क्लिक जो है वैलिड होगी, तभी हम लोग पारी चेंज कर पाएंगे, तभी वैल्यू को डाल पाएंगे। तब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक प्लस प्लस, ठीक है, एंड इसमें भी क्लिक प्लस प्लस। ओके, एंड लास्ट में आकर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड क्लिक, क्लिक को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, एंड मुझे पता नहीं मैं क्यों नहीं प्रिंट करवा पा रहा हूँ कुछ चीज़ों को, यहाँ पे मैं इस तरह से भी क्लिक को प्रिंट करवा सकता हूँ, चलो इसी तरह से सही है। अब मैं जब भी क्लिक करूँगा ना तब देखना यहाँ पे क्लिक 0 है, क्लिक क्लिक 0, क्लिक 0, क्लिक 0, अभी क्लिक 0 है क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों को भर चुके हैं। तो यहाँ से मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ गेम को, अभी हमारा क्लिक जो है वो 0 रहेगा, जैसे क्लिक करूंगा मैं तो 1 क्लिक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि अगर हमारा 9 क्लिक हो गया और कोई भी विनर नहीं बना तो हमारी जो मैच है वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर से अगर क्लिक करें तो 9 से आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे आकर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा void चेक ड्रॉ। ठीक है, यानी कि अगर मैच ड्रॉ हुआ तब हम लोग उसको चेक करेंगे कि हमारा मैच ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए एक काम करेंगे कि यहाँ पे नहीं, ये फंक्शन हम लोग का रहना चाहिए चेक ड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको ड्रॉ मैच ड्रॉ मैसेज, इस टाइप से लिख दूंगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक मैसेज शो करवाएंगे, कब शो करवाएंगे वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगा यहाँ पे इंट नाम से, यहाँ पे मैं क्लिक ले ले रहा हूँ। ठीक है, जो क्लिक है हमारा वो ले ले रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ क्लिक इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन, एक सेकंड, तो सिर्फ इक्वल टू लिख देता हूँ, इक्वल टू 9, अगर क्लिक हमारा इक्वल टू 9 होगा तब हमारी जो मैच है वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट डॉट डिफॉल्ट डायलॉग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसके अंदर टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा मैच ड्रॉ, एंड इसमें अगर एक बटन भी आए हमारे एक्शन बटन, यानी कि यहाँ पे कैंसिल
एंड कैंसिल में हम लोग क्या डाल सकते हैं, विजिट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एंड इसको मैं दे दूंगा कैंसिल। एंड यहाँ पे कंफर्म एक आता है, कंफर्म में मैं दूंगा टेक्स्ट एंड यहाँ पे प्ले अगेन। ठीक है, प्ले अगेन पे हम लोग क्लिक करेंगे, ऑन कंफर्म लिखते हैं। तो ऑन कंफर्म में जैसे हम लोग प्ले अगेन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो हमारा जो ये एरे होगा, ये जो एरे उसको हम लोग सबको क्लियर कर देंगे। क्लियर इन द सेंस हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड गेम वैल्यू इक्वल टू मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अगर, तो हो पाएगा क्या? गेम वैल्यू को हम लोग क्लियर कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुको मैं इसको करके। अगर हम लोग सिर्फ गेम वैल्यू को डॉट क्लियर लिखें तब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ यहाँ पे कि होता क्या है इस इतना लिखने से। एंड गेम वैल्यू डॉट क्लियर लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि फिर से ये वाली चीज़ों को मैं असाइन कर दूंगा। पहले मैं, या फिर मैं यहीं पे नहीं, ये चीज़ हटा देता हूँ और ये चीज़ें रहने देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ और इसको लास्ट में वैल्यू लिख दूँ, यस ये काम करेगा हमारा। जब भी हम लोग क्लियर करेंगे तब वो हमारा ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और फिर से हम लोग मैच को खेल पाएंगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्या करेंगे कि ये जो मैच ड्रॉ वाला डायलॉग बॉक्स है ना, उसको हम लोग हर क्लिक पे यहाँ पे जब भी हमारा जो क्लिक होगा उसको चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैच ड्रॉ मैच और इसमें हम लोग क्लिक को पास कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा वो देखो, मैं यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेता हूँ गेम को और देखते हैं कि हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो आता है कि नहीं आता। चलो एक बार क्लिक किया मैंने, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो ये हमारा मैच ड्रॉ का ऑप्शन आ गया। प्ले अगेन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्लिक हो नहीं रहा है क्योंकि हम लोग विजिट में यहाँ पे काम कर लेते हैं कि इसको मैं बटन टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं बटन, एक सेकंड, टेक्स्ट बटन, ठीक है टेक्स्ट बटन लिखता हूँ और यहाँ पे ऑन प्रेस में लगाता हूँ। आई थिंक उसमें कुछ दिक्कत आ गया होगा। एंड इसको मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ इस तरह से, एंड ये भी इस तरह से हो गया और यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूंगा। अभी इधर क्या आ रहा है, चाइल्ड, ओके चाइल्ड लिखना चाहिए था हमको यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें सही हो गई। अब ये जो मैं यहाँ पे कर रहा था वही मैं यहाँ पे करूँगा और इसको करने के बाद गेट गेट डॉट बैक कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो डायलॉग बॉक्स है वो भी बंद हो जाएगी। ओके, अब मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ गेम को, फिर से हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग फिर से चेक करते हैं यहाँ पे, ये हमारा डायलॉग बॉक्स आया। प्ले अगेन पर क्लिक किए तो सारी चीजें हट गई, वो भी हट गया। फिर से हम लोग प्ले कर सकते हैं सारी चीजों को और इसी तरह से हम लोग बार बार इसको प्ले करवा सकते हैं। अब अभी देखो एक बार और दिक्कत आ गई कि अब जो है हमारा क्लिक्स 18 पहुंच चुका है, तो हम लोग को क्लिक्स को भी क्या करना पड़ेगा, क्लिक्स को भी जीरो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्लिक्स डॉट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारे जो क्लिक्स है वो भी जीरो हो जाएगी। अब हम लोग कितना बार भी इसको खेल सकते हैं, कितना बार भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं फिर से, एक बार फिर से हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। ये ड्रॉ हो गया, प्ले अगेन करेंगे, फिर से हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, फिर से ड्रॉ हो गया, फिर से। अब कितना बार भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, अब ये कोई भी एरर नहीं देगा। अब हम लोग का काम है कि मैच को विन होने का चेक करना। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉ को हम लोग साइड में रखते हैं एंड ये सारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको भी अभी हटा देते हैं। अभी देखो हमारा छोटा सा यहाँ पे फंक्शन बन के रेडी है। अब हम लोग चेक करेंगे कि विनर हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं चेक करता हूँ।
देखो विनर चेक करने के लिए हमारे पास कितना कंडीशन हो सकता है वो चीज़ हम लोग सोचते हैं। तो एक तो सीधा सीधा लाइन मिल रहा, यानी कि ये तीनों लाइन सेम रहे तो तीन कंडीशन, या फिर ये तीनों लाइन सेम रहे यानी कि छह कंडीशन, या फिर ये डायगोनल दो सेम रहे यानी कि 6 2 8 कंडीशन। बस 8 कंडीशन है हमारे पास चेक करने के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी वो कंडीशन को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा चेक विनर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ऊपर वाला रो को चेक करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ अगर गेम वैल्यू का 0 इंडेक्स इक्वल टू हो गेम वैल्यू, एंड गेम वैल्यू का 1 सेकंड 1 इंडेक्स के साथ, एंड और हम लोग यही चीज करेंगे, ठीक है। एंड गेम वैल्यू का 0 इंडेक्स इक्वल टू गेम वैल्यू का कितना इंडेक्स के साथ, 2 इंडेक्स के साथ। अगर ऊपर वाला तीनों मैच हो गया तब हम लोग घोषित कर देंगे कि विनर है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ दूसरा चीज नहीं चेक कर रहे, सिर्फ हम लोग विनर चेक कर रहे हैं। अब ये चीज को हम लोग हर बार यहाँ पे कॉल करेंगे, तो चेक विनर यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया, 1 सेकंड डीबग कंसोल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे कंसोल। अब मैं इस पर क्लिक किया, फिर नीचे क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर नीचे क्लिक किया, फिर इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि विनर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लोचा क्या है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे दिक्कत यह है कि अभी देखो सारी बॉक्स शुरू में क्या होता है, सारी बॉक्स खाली रहती है, तो खाली इन द सेंस कि सब सेम है, यानी कि ऊपर वाला भी तीनों एरो में वैल्यू सेम है। अगर मैं नीचे कहीं पे क्लिक करूंगा तो देखना कि यहाँ पे विनर घोषित हो गया, यानी कि ऊपर में भी सेम आ गया सभी चीजें। तो इसको हम लोग को कैसे ठीक करेंगे वो समझते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लेता हूँ कि जो हमारा गेम गेम वैल्यू है 0 इंडेक्स का, वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि खाली स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। इतना लिखते के साथ अगर मैं फिर से गेम को रीस्टार्ट करूं और अगर ऊपर वाला सबको खाली छोड़ दूं तब देखना आप कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इधर क्लिक किया मैंने, अभी देखो कोई भी विनर घोषित नहीं हुआ जब तक उसमें नॉर्मल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो ये हमारा मैच ड्रॉ हो गया, वो भी हम लोग ठीक करेंगे। अभी एक चीज करते हैं कि हम लोग सारी जितने भी कंडीशन होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने जितना भी कंडीशन हो सकता था वो मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने किया कि ये हमारा है वर्टिकल के लिए, यानी कि इस तरफ से कैसे हम लोग का विनर होगा, ये हॉरिजॉन्टल के लिए यानी कि ऐसे ऐसे विनर, और फिर यहाँ से डायगोनल वाला कहाँ गया, डायगोनल वाला था मेरा कहाँ से 0 4 0 8, ठीक है, ये वाली, यहाँ से हमारी दो ये डायगोनल की हो गई। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे ये हमारी डायगोनल यानी इस तरह से क्रॉस में चेक करेगा। तो ये हमारा पूरा हो गया क्या कि ये हमारा शो करेगा कि विनर हम लोग बन चुके हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी जो फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं डिबग कंसोल खोलता हूँ और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, 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 देखते हैं कि हम लोग विनर बन पाते हैं कि नहीं। तो विनर नहीं बन पाए, मैच ड्रॉ हो गया। तो फिर से हम लोग चेक करते हैं, एक बार विनर बना ही देते हैं। तो अभी एक्स का चलना है, यहाँ पे चल देते हैं, यहाँ पे चल देते हैं। अब देखो हमारा विनर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग का सिर्फ जरूरत है कि विनर के लिए डायलॉग बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा विनर चेक करने वाला हो गया, अब हम लोग उसको डायलॉग बॉक्स बनाते हैं। तो void विनर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, विनर डायलॉग बॉक्स हमारा एक लेगा इज एक्स लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम लोग शो करवा देंगे गेट डॉट डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स। एंड डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स में हम लोग शो क्या क्या करवाएंगे वो देखते हैं। इसमें हम लोग टाइटल में शो करवाएंगे सबसे पहले विनर, और साथ में हम लोग इमोजी लगा देंगे विनर का, अगर कुछ आएगा तो ये वाला इमोजी लगा देते हैं इस तरह से, एंड हम लोग दोनों पट्टी लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में हम लोग ले लें, कंटेंट में मैं लिखूंगा
कंटेंट में मैं लिखूंगा कॉलम, ठीक है, चिल्ड्रन, एंड इसके अंदर मैं एक लगाऊंगा आइकन, आइकन डॉट विनर मेडल। अरे यार विनर का कुछ आता है क्या? विन वॉन लिखते हैं, वॉन से वोमेन आता है यार, विनर कॉइन लिखते हैं, कॉइन कॉइन आएगा हम लोग के पास। ओ कॉइन भी नहीं आता भाई। ओके तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, अब जो अच्छा लगेगा वही ले लेता हूँ मैं बाद में आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेना। 50 डालते हैं इसको, कलर कलर डॉट ग्रीन रख देता हूँ मैं इसका, ठीक है। एंड इसके सेम नीचे साइज बॉक्स, एंड इसका हाइट दे देता हूँ 10 का, एंड इसके नीचे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लिखने के बाद मैं क्या करूँगा वो समझता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लिखे कि अगर x रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज विनर, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमारा रहेगा कितना 30 बस, ठीक है। अब मैं इस विनर डायलॉग को कहाँ कहाँ पेस्ट करूँगा वो समझो, ये विनर डायलॉग को हर बार पेस्ट करूँगा जहाँ पे ये है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ विनर डायलॉग बॉक्स पेस्ट, एंड इसको कर लेता हूँ कॉपी। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक प्रिंट स्टेटमेंट है उसको कॉपी कर लूँगा एंड सेलेक्ट कर लूँगा, एंड कंट्रोल डी दबाएंगे जहाँ जा रहेगा सब सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी दबाएंगे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैच को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा बना है डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे, और ये हमारा विनर का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्स जो है वो विन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कौन जीता? जियो जीता है, ठीक है, एक्स तो जीता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, क्या क्या कंडीशन लगाऊंगा वो सोचो, कि यहाँ पे मैं इसी को हटा लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इज एक्स, अगर इज एक्स हमारा ट्रू रहेगा तो हमारा ये जीत गया, अगर इज एक्स ट्रू नहीं रहेगा तो हमारा कौन जीत गया? जीरो जीत गया, यानी कि ओ जीत गया। एक सेकंड, अरे कैप्स लॉक हट जा भाई, डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग शो करवाएंगे, एंड कॉन्स्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है तो कॉन्स्ट भी लगा देते हैं, एंड इसमें भी कॉन्स्ट लगा देते हैं। अब नीचे हम लोग दो बटन बनाएंगे, तो दो बटन कौन कौन सी बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहीं पे इसी में बनाते हैं रो, ठीक है, चाइल्ड, एंड इसको पहले कॉमा लगाओ। रो चाइल्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिवेटेड बटन, ठीक है, एलिवेटेड बटन, एंड मैं विथ आइकन वाला चाहता हूँ, तो इसको इस तरह से करते हैं। और यहाँ पे आइकन में मैं देना चाहता हूँ आइकन डॉट क्लोज पहले देता हूँ, ठीक है, क्लोज। एंड यहाँ से लेबल में मैं क्या देना चाहता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। लेबल में मैं दूंगा, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, और टेक्स्ट लिखने के बाद क्लोज लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया पहला बटन हमारा, एंड दूसरा क्या होगा, प्ले अगेन, एक सेकंड, अगेन, ठीक है। एंड इसका जो बटन होगा वो प्ले जैसा कुछ बटन है, यस, इसी को डाल देते हैं, ठीक है। प्ले अगेन पे जैसे क्लिक करेगा तो हमारा फिर से जो वैल्यू है वो रीसेट हो जाएगा, जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे पहले से रीसेट कर चुके हैं ड्रॉ मैच में। तो ये सेम चीज़ को हम लोग ऐसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और प्ले अगेन पे जाकर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसको, सारी चीज़ें सही हो गया। अब एक काम करेंगे कि रीस्टार्ट करते हैं अपनी ऐप गेम को और देखते हैं कि हमारा गेम कैसा बना है।
इस पर क्लिक किया मैंने, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारा डायलॉग बॉक्स क्यों नहीं आया। ओके, तो एक बार और क्लिक करने पे हमारा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये गलत बात, वो चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास विनर आ गया, कि वो जो है हमारा विनर है। प्ले अगेन पे क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें हट जाएगी। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा, नहीं इस बार देखो सही आ गया। तो इस बार कैसे सही आ रहा, पिछला बार कैसे गलत आ रहा है, ठीक है वो चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पर रिस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद मैं जैसे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ओके सारी चीज़ें सही चल रही है। पिछले बार पता नहीं क्यों, कोई कारण से वो दिक्कत हो गया होगा जो फेच नहीं कर पाया होगा। अब हम लोग एक कंडीशन और चेक करेंगे, ठीक है, कि देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको ना 0 है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर ये है, इसको यहाँ पे कर दिया, फिर इसको यहाँ पे। अरे विनर, विनर कैसे बन गया भाई, ओ माय गॉड, ये विनर हो कैसे सकता है, ये तो गलत बात है ना। कोई कंडीशन में हम लोग का दिक्कत है, वो कंडीशन हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। विनर चेक करने का कंडीशन हम लोग का दिक्कत है, वो चेक करके आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा कंडीशन गलत था, कि मैंने 2 को 4 से चेक कर रहा हूँ जो कि गलत है। तो यहाँ पे मुझे चेंज करना था, 1 से 4 को चेक करूंगा और 1 से 7 को चेक करेंगे, और 1 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये हो गया। फिर 3 को चेक कर रहे हैं, वो भी गलत है। यहाँ पे मुझे चेक करना था 2 को 5 से, एंड 2 को ही 8 से, एंड 2 को ही ये इस तरह से एम्प्टी से, यहीं पे गलत था, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। हॉरिजॉन्टल के लिए मैं देखता हूँ, 0 फिर 4, ठीक है, 0 4 चेक हो गया, 0 8 चेक हो गया, सही हो गया, एंड 2 4 चेक होगा, 2 6 चेक होगा, सही है। अब सारी चीज़ें सही है, अब कोई भी एरर नहीं आएगा। अब इसको मैंने इस तरह से ठीक किया कि यहाँ पे जितना भी रिटर्न था उसको मैंने डुप्लीकेट करके मैंने फिर से वो इंडेक्स को प्रिंट करवा लिया था। अब हमारा सारा काम सही हो गया। अब एक बार रीस्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग एक और चीज़ है उसको मैं चेक करना चाहता हूँ, कि वो चीज़ देखते हैं दिक्कत देती है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने 0 डाला, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स, एंड यहाँ पे 0। अब यहाँ पे विनर वाला आया, अगर मैं प्ले करूँगा तो देखो यहाँ पे मैच ड्रॉ वाला भी आया है। तो इसका हम लोग को कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि कैसे होगा, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्ले अगेन पे यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ, इसके लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, तो विनर और ड्रॉ मैच वाली दोनों प्रॉब्लम एक साथ आ रही है, दोनों डायलॉग बॉक्स एक साथ आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वो बनाते हैं, इज विनर नाम से एक वेरिएबल जो कि बूलियन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर इफ इफ इज विनर डॉट वैल्यू, अगर उसका वैल्यू फॉल्स रहा, तभी हम लोग जो ड्रॉ वाला मैच है, ड्रॉ वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको हम लोग कॉल करेंगे। अगर इज विनर ट्रू रहेगा तो हम लोग उसको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आकर इज विनर को डॉट वैल्यू को ट्रू करना पड़ेगा, जब भी हमारा विनर आएगा तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और करना कि यहाँ पे लास्ट में एल्स जरूर लिख देना, नहीं तो ये हर बार विनर विनर घोषित करते रहेगा, लास्ट में एल्स जरूर लिख देना। अब हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ करके देखते हैं मैच को। तो यहाँ पे मैं बनाता जा रहा हूँ, आई होप कोई विनर ना बन जाए। अभी देखो विनर बन ही गया, ये विनर बन गया। अगर मैं इसको प्ले पर क्लिक करूंगा तो अभी देखो हमारा जो अब वो ड्रॉ मैच था उसका हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। अभी इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्स डालता हूँ, यहाँ पे 0 डालता हूँ, यहाँ पे एक्स डालता हूँ, यहाँ पे 0 डालता हूँ, अब ये हमारा मैच ड्रॉ हो गया। अब मैच ड्रॉ हो गया तो ड्रॉ वाला भी चीज़ें नहीं आई, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को एक काम करना पड़ेगा कि जैसे हमारा जो वैल्यू है वो ट्रू हुआ, तो जब हम लोग प्ले पर क्लिक करेंगे तो वापस से उसको हम लोग को फॉल्स करना पड़ेगा, यानी कि जैसे हम लोग
प्ले अगेन पर क्लिक करेंगे तो इज विनर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को फिर से फॉल्स करना पड़ेगा ताकि सिस्टम को पता चले कि फिर से हम लोग को विनर को डिसाइड करना है। चलो फिर से देखते हैं कि अभी हमारा जो ड्रॉ मैच है उसका जो पॉपअप है वो आता है कि नहीं। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर किया, फिर जीरो यहाँ डालते हैं, एक्स यहाँ डालते हैं, जीरो यहाँ नहीं, जीरो यहाँ डालते हैं, एक्स यहाँ डालते हैं, एंड देखो हमारा विनर आ गया। अब कौन विनर हुआ देखने दो जरा, ये देखो ये हमारा विनर हो गया, जो कि भाई साहब जानबूझ के अगर चाहोगे ना कि विनर ना डिसाइड हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि जो नहीं चाहोगे वही होगा। एक काम करते हैं पहले डायगोनल भरते हैं, फिर यहाँ पर भरता हूँ, फिर जीरो यहाँ पर लगाता हूँ, फिर एक्स जो है यहाँ पे लगाता हूँ, फिर जीरो यहाँ पे लगाता हूँ, फिर एक्स यहाँ पे, फिर जीरो यहाँ पे। अब देखो हमारा ड्रॉ मैच का जो पॉपअप है वो आ गया। तो हम लोग ने इस तरह से बढ़िया सा एक टिकटॉक टो वाला गेम बना लिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका यूआई बहुत बढ़िया बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका यूआई बढ़िया बनाकर मुझे सेंड कर सकते हो, तो बता सकते हो कि हाँ मैंने इसको इस तरह से इम्प्रूव किया और जो हमारी फंक्शन है उसको मैं पूरी तरह से बहुत बढ़िया सा डिफाइन किया आपको। अगर ये सारी कोड चाहिए तो वेबसाइट के ऊपर फ्री में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से जाके आप कोड को ले सकते हो, गिटहब का लिंक रहेगा, वहाँ से सारे कोड्स को ले सकते हो। ठीक है, और एक बढ़िया सा यूआई के ऊपर आप बनाओ इसको। और हाँ, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जो कि होगा मल्टीप्लेयर, हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन, हम लोग मल्टीप्लेयर के साथ कैसे करेंगे, और इसका पूरा एक बढ़िया सा यूआई भी मैं तैयार कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम लोग इसको बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।